ऐसी भारी जमात है जो जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से बात करती है, जय नाइट बात सही नफर लगी है उसके हवाले से बात करती है। और इसके अलावा जो पीडीपी का रिकॉर्ड रहा है जम्मू कश्मीर में तरक्की के हवाले से, रास्ते खोलने के हवाले से, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बनाने के हवाले से, एम्स बनाने के हवाले से, रोजगार देने के हवाले से, लेबर तालीम में लाखों लोगों को रोजगार दिया, उसकी वजह से जो बाकी जमातें हैं वो घबरा रही है, उनके पास नौकरी के पास माफी मांग के लिए किस बात और कोई चारा नहीं। मैं कुछ जिस तरह से लगातार जो एआईपी कारण मैदान में उतारा जा रहा है, इसका मतलब क्या? जो गरीब आपकी जेल में है उसके माँ बाप को उसको मिलने की इजाजत नहीं है। एक तरफ से वो मामला है जो हमारे जेलों में नौजवान है वो सालों से जेलों में उनको उनके माँ बाप को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। दूसरी तरफ से जेलों से लोग इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी पार्टियां बनती है, उनकी गाड़ियां चलती है, उनको सिक्योरिटी दी जाती है, यहाँ तक जब वो हमारे गंजे पे हमला करते हैं यावंडे पे तो पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय हमारे जो वहाँ के कैंडिडेट है इलेक्शन कमीशन उसको नोटिस भेजता है। इसे आपको पता होना चाहिए कि जेलों से इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका क्या मामला है। थैंक यू सो मच।